जो वर्कर्स हैं वो बीएसएफ आईटीबीपी सीआईएसएफ और सीआरपीएफ से आते हैं, और इन जो 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 पैरामिलिट्री फोर्सेज या फोर्सेज के लोग हैं ना उनकी स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है, और इसके लिए इनकी जो अलग अलग बटालियंस देखिए किसके किसके लिए स्पेशलाइज है उसके एक लिस्ट आपके सामने है कि नेचुरल डिजास्टर्स और सीबीआरएन इमरजेंसीज के लिए। सीबीआरएन मींस केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी पे ये इसके से जो डिजास्टर्स होती हैं उसको ट्रेन उसकी ट्रेनिंग दी जाती है इन लोगों को जो सामने लिस्ट में आपके दिख रहे हैं। और इनका एस्टेब्लिशमेंट्स कहाँ है, चेन्नई है, नोएडा है, कोलकाता है, पुणे में है, और इनके चीफ ऑफिशियल्स का एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो इमरजेंसी में एज अ टीचर एज ए कॉमन मैन व्हाट वी कैन डू इज एटलीस्ट वी कैन कनेक्ट विद दोज एजेंसीज और उनको हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली नेचुरल डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए जो आपके जो बटालियंस है वो भुवनेश्वर में है, भटिंडा में है, गुवाहाटी में है, वडोदरा में है, बड़ौदा में दे आर इन उड़ीसा पंजाब आसाम एंड गुजरात। सिमिलरली कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ दोज बटालियंस आर शोन इन द टेबल। सिमिलरली एडिशनल बटालियन हैव बीन क्रिएटेड विच आर इन बिहार एंड महाराष्ट्र। सो इन टोटल देर आर 10 बटालियंस विच आर बींग ट्रेंड फॉर द कोपिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स इन आवर कंट्री। इन एडिशन टू दिस फ्रंट लाइन एक्सपर्ट्स होम गार्ड्स के भी 18 बटालियन को एक ट्रेन किया जाता है ताकि वो उनको सपोर्ट कर सके। एंड दीज बटालियंस आर एस्टैब्लिश्ड इन पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। अब एक काफी है कि इसको हैंडल कैसे किया जाता है। तो हर अलग अलग डिजास्टर्स को हैंडल करने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं और नोडल मिनिस्ट्रीज हैं। वो आपके सामने एक हमने एक टेबल दिखाया हुआ है कि अर्थक्वेक को हैंडल करता है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, फ्लड को भी होम अफेयर्स करता है, बट नोडल मिनिस्ट्री है आईएमडी। उसी तरह से नोडल मिनिस्ट्री है सेंट्रल वाटर कमीशन या वाटर रिसोर्सेज। ड्रॉट वगैरह को हैंडल करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन मिनिस्ट्री। तो इस तरह से अलग अलग डिजास्टर्स के लिए अलग अलग नोडल मिनिस्ट्री और अलग अलग मैनेजमेंट मिनिस्ट्रीज हैं। ये आपके सामने एक तस्वीर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सिमिलरली न्यूक्लियर डिजास्टर हो या इंडस्ट्रियल केमिकल डिजास्टर्स हो, बायोलॉजिकल हो, चाहे रेल एक्सीडेंट्स हो, रोड एक्सीडेंट्स हो, एविएशन एक्सीडेंट्स हो, साइक्लोन्स हो, सुनामी हो, सबके लिए कौन मैनेज करता है, उसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है, वो आपके सामने एक हमने तस्वीर रखी है। इसके बाद आती है एक हमारी कैपेबिलिटी पे कि वेदर फोरकास्टिंग। कि फोरकास्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर अनलेस वी प्रेडिक्ट द इवेंट्स व्हिच इज गोइंग टू हैपन वी विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद सच सिचुएशंस। सो फोरकास्टिंग का मतलब ही होता है इट इज नथिंग बट ए प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल एट सम फ्यूचर टाइम। और ये वेरिएबल्स क्या है, मेनली रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। दीज फोर पैरामीटर्स शुड बी वेरी वेल प्रेडिक्टेड। अनलेस वी प्रेडिक्ट दीज पैरामीटर्स विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट, चाहे फ्लड की बात कर लें, चाहे ड्रॉट की बात कर लें, चाहे साइक्लोन्स की बात कर लें, चाहे हीट वेव्स की बात कर लें, कोल्ड वेव्स की बात कर लें। तो इनका फोरकास्टिंग में बहुत रोल है, इन पैरामीटर्स को आपको प्रेडिक्ट करना है। अब देर आर फोर टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। एक होता है जिसको कहते हैं नाउकास्टिंग। नाउकास्टिंग मीन्स जो बिल्कुल अब से लेकर 24 घंटे तक के लिए फोरकास्ट किया जाता है, ठीक है, कि आने वाले 12 घंटे या 24 घंटे में हमारा कैसा वेदर होगा। उसके बाद अगला जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब जिसकी फोरकास्टिंग 24-48 घंटे के बीच के लिए जो समय होता है उसके लिए जो फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब एक दिन के बाद की फोरकास्टिंग। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग जब हम आज से चौथे दिन से 10वें दिन क्या इवेंट्स होंगी, कैसा होगा, क्या कंडीशंस होंगी, उसकी फोरकास्टिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं मीडियम रेंज। और एक होता है लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग जो हम पूरे सीजन के लिए करते हैं कि ये साल कैसा होगा, ये महीना कैसा होगा, ये सीजन कैसा होगा, पानी या जो जो रेन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, वो कैसा होगा, कितना होगा। तो अपना मकान है शिफ्ट करना है, जो क्लब के बगल वाला जो लेखा सर आनंद मोहन वाला, तो राइट, तो वो बोली है कि हमको दो दिन पहले, आज मैंने आज देखिए जो भी कुछ स्लॉट खाली दो दिन पहले में बता दें। So these are the various types of forecasting. So we can categorize the forecasting into these four categories. इसमें सबसे difficult है long range forecasting करना पूरे season को, क्योंकि इतने सारे जो variables हैं उसको properly accuracy के साथ predict करना, it is very very difficult task. But इन सब के बाद भी despite all these
आज हमारी फोरकास्टिंग का लेवल बहुत बहुत एक्यूरेट है, बहुत अच्छी है, और तभी हम अपनी लाइफ को सेव कर पा रहे हैं, लोगों को बचा पा रहे हैं। साइक्लोन्स को देखिए, दो दो तीन तीन जो साइक्लोन्स पिछले आए पिछले समय में, उसकी कितनी प्रॉपर एक्यूरेट आपने फोरकास्टिंग की, और होने वाले ह्यूमन लॉस जो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उसको आपने चेक कर लिया। सो डिफिकल्ट है, बट हमारी फोरकास्टिंग की कैपेबिलिटी भी बढ़ी है। अब ये फोरकास्टिंग किसके लिए, फोरकास्टिंग सर्विसेज किसके लिए किया जा रहा है? तो इसमें सबके लिए है, हर तरह के लोगों के लिए, माउंटेनियरिंग में जो लोग जा रहे हैं उनके लिए है, जनरल पब्लिक के लिए है, एग्रीकल्चर से जुड़े लोगों के लिए है, साइक्लोन वार्निंग्स हैं, सीजनल लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग है, एविएशन जो जो एयरक्राफ्ट जाती हैं उनको पूरी चार्ट मिल जाती है, शिपिंग में जो जा रही हैं शिप्स वगैरह, या ONGC का जो ऑफशोर ड्रिलिंग प्रोग्राम्स हैं उनको भी पूरी सूचना देनी पड़ती है, मिलती है, दी जाती है। फ्लड या क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन कितना होगा उसकी फोरकास्टिंग है। बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जो चाहती हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिले, तो वो भी पेड सर्विसेज भी हैं। तो सोशल ओकेजंस हैं, वेदर एलिमेंट्स हैं, या इस तरह की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको लेके फोरकास्टिंग का काम देश में किया जा रहा है। अब इन फोरकास्टिंग की एजेंसीज कौन कौन सी हैं? हमने कहा कि एक तो डिसास्टर्स और होने वाली जो मैनेजमेंट के लिए जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके हमने एक चर्चा की। अब है कि ये जो फोरकास्टिंग का काम करती है वो कौन कौन सी एजेंसीज करते हैं? तो अगर हम साइक्लोन की बात करें या अर्थक्वेक मॉनिटरिंग की बात करें तो इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। सुनामी की फोरकास्टिंग करने वाली एजेंसी है INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। फ्लड की फोरकास्टिंग करने वाली है सेंट्रल वाटर कमीशन। लैंडस्लाइड्स की फोरकास्टिंग करती है GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एवलांचेस की फोरकास्टिंग करने वाली एजेंसी है DRDO, उसके अंडर में है स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट, इसको सेस बोलते हैं, ये एवलांच को प्रेडिक्ट करती है। उसी तरह से हीट एंड कोल्ड वेव्स को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक ड्रॉट को वो इंडियन वो एग्रीकल्चरल जो मिनिस्ट्री है वो करती है। उसी तरह से फ्लड फोरकास्टिंग के सेंटर्स हैं, और स्पेशली ये रिवर बेसिन में बहुत सारे इस्टेब्लिश किए गए फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर्स, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र में है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में इस्टेब्लिश किया गया है, कृष्णा बेसिन में किया गया है, महानदी में किया गया है, ईस्टर्न रिवर्स में किया गया है, गोदावरी बेसिन में किया गया है। तो इन डिफरेंट रिवर बेसिन नंबर ऑफ फोरकास्टिंग फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, एंड देयर मैंडेट इज टू फोरकास्ट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लड्स विच मे विजिट इन फ्यूचर। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रेसिपिटेशन होगा, कितना फ्लो होगा वाटर का, और वो फ्लो ऑफ वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, और वॉल्यूम कितना होगा तो कितनी फ्लड आएगी, इन सब की फोरकास्टिंग का काम आपको फ्लड फोरकास्टिंग सेंटर्स विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन वेरियस रिवर बेसिन्स इज डन बाय दोज फोरकास्टिंग सेंटर्स इन डिफरेंट रिवर बेसिन्स। देयर इज अ कांस्टेंट RBR मॉनिटरिंग बाय IMD ऑफिशियल्स विद रिस्पेक्ट टू इंटेंसिफिकेशन एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोनिक सिस्टम्स to disseminate cyclone warnings to all concerned with the help of most advanced state-of-art communication system. तो इस तरह से जो cyclone warnings लगातार bulletins उनके आते रहते हैं हर तरह के लोगों के लिए, सिर्फ हमारा दायित्व ये है कि हम लोगों को बताएं कि जो ये जो bulletins आती रहती हैं warnings को लेके, जो coastal areas में cyclone के लेके आती है, कि लोग एटलीस्ट उसको सुने, समझें, जानें। और ये जो बुलेटिन से तीन फेजेस में अपनी बात बताती हैं। फर्स्ट स्टेज में प्री साइक्लोन वॉच ये करती हैं, सेकंड स्टेज में साइक्लोन अलर्ट जारी करती हैं 48 घंटे पहले की ये हालात होने वाली हैं, ताकि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो उसमें अपना एक्शन ले सके। थर्ड स्टेज में है साइक्लोन वार्निंग जारी करती हैं। तो इस तरह से जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है वो काम करता है और लोगों को ये बताता है। ये साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है कहाँ कहाँ पे? कोलकाता में है, चेन्नई में है, मुंबई में है, विशाखापट्टनम में है, भुवनेश्वर में है, अहमदाबाद में है। तो देयर आर नंबर ऑफ साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स इन द कोस्टल एरियाज ऑफ आवर कंट्री टू गिव इंफॉर्मेशन टू द ब्यूरोक्रेट्स, टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल, सो दैट दे कैन टेक एक्शन एट राइट टाइम। अब अर्थक्वेक प्रेडिक्शन की बात करें, अर्थक्वेक प्रेडिक्शन की सबसे डिफिकल्ट टास्क है, अर्थक्वेक प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। किसी भी इस तरह के इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने का तीन जो जो पैरामीटर्स हैं वो हैं, ये या पैरामीटर्स कह लीजिए, विंडोज कह लीजिए, वो तीन है, मैग्नीट्यूड कि कितनी ताकत का कोई इवेंट होगा, उसका टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ ऑकरेंस, और कहाँ पर होगा, प्लेस या लोकेशन ऑफ ऑकरेंस। तो इन तीनों को प्रेडिक्ट करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेशन, एक एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन कैलकुलेट की जाती है और वो लोगों तक कम्युनिकेट की जाती है, ताकि हम एटलीस्ट ये तो जान सके कि वो एरियाज, वो जगह सेंसिटिव है, और वहाँ पे हम फर्दर जो भी डेवलपमेंटल वर्क या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाएं वो उस तरह का ना हो जो आने वाले अर्थक्वेक से डैमेज हो सके। अर्थक्वेक के कुछ प्रिकर्सर्स भी हैं। कैन अर्थक्वेक्स बी प्रेडिक्टेड?
यस टू सम एक्सटेंट, हम बहुत एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस टू सम एक्सटेंट वी कैन प्रेडिक्ट विद द हेल्प ऑफ सम अर्थक्वेक प्रिकर्सर्स। जैसे वो प्रिकर्सर्स क्या क्या हैं जो इवेंट होने के पहले हमको दिखाई पड़ती हैं, उनको मॉनिटर करना पड़ता है, जैसे चेंजेस इन एलिवेशन और टिल्टिंग ऑफ लैंड सरफेस, कि जमीन का कोई हिस्सा अपना शेप साइज चेंज कर दे, फ्लक्चुएशन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स, कि ग्राउंड वाटर के लेवल में अगर फ्लक्चुएशन आपको दिखाई पड़े कि अचानक दिख रहा है कि कल तक का वाटर लेवल कुछ था, अचानक वाटर लेवल में चेंज हो गया, वहां के एरिया का मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर जाए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ग्राउंड बदल जाए, या इंक्रीज इन रेडॉन गैस इन वेल्स, कि कुओं में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाए, और लास्ट है सिस्मिक गैप्स। सिस्मिक गैप्स का मतलब कितना समय बीत गया उस पर्टिकुलर एरिया में जब से कोई इवेंट अर्थक्वेक नहीं आया। तो जितना बड़ा सिस्मिक गैप होगा उतनी प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होंगी अर्थक्वेक को विजिट करने की, या ज्यादा चांसेस होंगे अर्थक्वेक आने के। अब वो दुनिया भर में बहुत सारे अर्थक्वेक प्रेडिक्शन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, वो प्रोग्राम्स लैब में भी चल रहे हैं और फील्ड स्टडीज में भी चल रहे हैं, रॉक्स डिफरेंट टाइप के रॉक्स में, कि बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर अर्थक्वेक क्या इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, उसी तरह से मॉनिटरिंग लगातार चल रही है अलॉन्ग मेजर फॉल्ट्स। फॉल्ट्स का मतलब लंबी हजारों किलोमीटर के दरारें हैं जहां पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा टूटा हुआ है, अलग है, तो उन मेजर फॉल्ट्स के अलॉन्ग अर्थ का सरफेस मूव करता है, तो वहां मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है। तो मॉनिटरिंग का काम भी चल रहा है और रिस्क असेसमेंट्स को लेकर तरह तरह के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ अर्थक्वेक प्रेडिक्शन प्रोग्राम्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इन डिफरेंट कंट्रीज, इन डिफरेंट लैब्स, टू असेस द event which is yet to visit and the damages related to those events. अब prevention या mitigation की बात करें, तो ये जो mitigation का approach है वो दो तरह का approach में उसको classify कर सकते हैं। एक होता है structural approach, दूसरा होता है non-structural approach. Structural approach का मतलब जहाँ engineering related structures हैं उसको कैसे बनाया जाए, technology कैसे इस्तेमाल हो, किस तरह का structure develop हो ताकि वो कोई earthquake किसी particular magnitude का आए तो उसको वो संभाल सके, उसको वो कोप अप कर सके। और दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल। नॉन स्ट्रक्चरल का मतलब जैसे हम सब लोग हैं, एकेडमिक्स के लोग हैं, या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनका जहाँ रोल होता है उसको कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल रिपोर्ट्स। जहाँ पॉलिसी बनानी है, अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना है, नॉलेज डेवलपमेंट का काम करना है, पब्लिक कमिटमेंट मेथड्स या ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस क्या हुए, पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म क्या हो, इंफॉर्मेशन कैसे सर्कुलेट हो, लीगल फ्रेमवर्क, इंसेंटिव्स, इंश्योरेंस, ट्रेनिंग, एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस, ये वार्निंग सिस्टम्स, ये सब जो है एकेडमिक रिलेटेड या रिसर्च रिलेटेड वो नॉन स्ट्रक्चरल अप्रोच में आता है। और जहाँ इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स या नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हों, जहाँ स्ट्रक्चरल एक्टिविटीज होनी है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेज फॉर मिटिगेशन, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल। अब देश भर में नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम ही है NERMP। और ये जब 6 मेजर अर्थक्वेक्स आए पिछले 20 वर्षों में, उसके बाद से ये एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसमें ये कहा गया कि हम डिफरेंट एरियाज के लिए अलग अलग बिल्डिंग कोड्स डेवलप करें, कि किस एरिया में किस तरह का बिल्डिंग डिजाइन हो, स्ट्रक्चर डिजाइन हो, और बेहतर तरीके से ऐसे डिजाइन बने ताकि वो कभी भी ऐसे इवेंट में डैमेज ना हो। और नेशनल बिल्डिंग कोड का कॉन्सेप्ट वैसे तो 1970 से आ गया था, लेकिन अब और उसको मॉडिफाई किया गया है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम द नेशनल बिल्डिंग कोड, नेशनल बिल्डिंग कोड का मतलब हाउ योर बिल्डिंग शुड बी, हाउ योर बिल्डिंग, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल शुड बी देयर इन योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी देयर इन योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, या कोई बड़ा काम कर रहे हो तो 70 में आया, फिर 83 में आया, फिर 87 में रिवाइज होते होते NBC नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में आया, और रिसेंट भी उसके अपग्रेडेशन आ चुके हैं जिसमें यह बताया जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो ये हम सब के लिए है, लेकिन हम सब इसको विजिट नहीं करते, हम सब इसको देखते नहीं है, ये सब आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, साइट पे अवेलेबल है, लेकिन हम अपने जीवन की पूरी कमाई एक बिल्डिंग बनाने में लगाते हैं क्योंकि शौक होता है कि हमारा एक बिल्डिंग हो, हमारा एक कार हो, लेकिन हम जिस मकान को बनाते हैं उसकी पूरी भाग्य विधाता कौन होता है, एक सामान्य सा वर्कर जो आपका, जिसको हम मिस्त्री कहते हैं कि उसको एक, या एक जो डिप्लोमा होल्डर कॉन्ट्रैक्टर है उसको हमने दे दिया। लेकिन हमारा भी एक दायित्व है कि हम भी ये पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से हमारी बिल्डिंग का डिजाइन कैसा हो, हमारे प्लिंथ, हमारे पिलर्स, हमारा मटेरियल का रेशियो, हमारे ब्रिक्स कैसे हो, इन चीजों को जानना हमारा दायित्व है। और हम पढ़े लिखे होने के नाते इस नेशनल बिल्डिंग कोड को जरूर देखने की कोशिश करें। तो सिमिलरली लैंडस्लाइड को लेके पूरे देश में जहां जहां लैंडस्लाइड प्रॉन एरियाज हैं उनको जोन या उसको डिवाइड
करके लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग जाने कि कौन कौन सा एरिया लैंडस्लाइड प्रॉन है और वहाँ हमें अपना कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क अवॉइड करना है। तो GSI इस काम को करती है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लैंडस्लाइड और एवलांच मैपिंग का काम करती है और इस उसको एक प्रोजेक्ट की तरह चलाया जा रहा है जिसका नाम है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट NLRMP, जो कि हिमालय में और वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी के जो पहाड़ है वहाँ जो लैंडस्लाइड प्रॉन एरियाज है उनको जोन डिफरेंट जोन में डिवाइड करने का काम करती है और अकॉर्डिंगली लोगों तक ये पूरे एक बुकलेट के फॉर्म में प्रोवाइड कराई जाती है ताकि लोग जाने कि कौन सा एरिया कितना सेंसिटिव है इस तरह की चीज़ों के लिए। और इवन वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी जो वैली है, नीलगिरी का जो एरिया है उसको एवलांच वैली भी कहा जाता है। तो हिमालय की नहीं, इवन वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी एरियाज में भी एवलांचेस की घटनाएं होती रहती हैं। और ये GSI ने लैंडस्लाइड जोनेशन का काम भी किया और ये बताया कि कौन कौन सा एरिया कितना लैंडस्लाइड प्रॉन है। सिमिलरली एवलांच वार्निंग के लिए भी काम लगातार चल रहा है और इस कार्य को कौन देख रहा है, DRDO के अंदर भी ये काम चल रहा है और आज देश में 50 से भी ज्यादा लेबोरेटरीज काम कर रही है और इन लेबोरेटरीज का नाम क्या है, सेस का मतलब सेंटर फॉर स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो इस तरह के 50 लेबोरेटरीज काम कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है और ये DRDO के अंतर्गत आपके एवलांच वार्निंग सिस्टम और एवलांच मॉनिटरिंग का काम चलता रहता है। उसी तरह साइक्लोन को लेके जो हम वार्निंग सिस्टम डेवलप करते हैं या वार्निंग अलर्ट जारी करते हैं इसको भी एक प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है जिसका नाम ये नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट NCRMP। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि जो कोस्टल एरियाज में है कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है स्पेशली गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि ये ऐसे एरियाज हैं जो साइक्लोन प्रॉन है तो वहाँ के लिए गाइडलाइंस जारी करना, वहाँ के लिए पूरा प्रोग्राम बताना, वार्निंग सिस्टम या वार्निंग अलर्ट जारी करना, यह एक प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है जिसका नाम है NCRMP। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कि इवेंट के बाद उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, मिटिगेट किया जाए। तो इस तरह से दो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं NCRMP एंड ICZMP जो कि कोस्टल एरियाज में साइक्लोन और साइक्लोन के आने के बाद के जो मैनेजमेंट है उसको लेके अपनी गाइडलाइंस और अपने काम को कर रही है। सिमिलरली फ्लड को वार्निंग सिस्टम या फ्लड को लेके जो काम चल रहा है वो भी एक नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है और उसका नाम है नेशनल फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट या दूसरा है फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम। और इस कार्य को कौन कर रही है, GSI के अंतर्गत ये प्रोग्राम चल रहा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस कार्य को करती है। अब इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं मेजर डिसास्टर्स वो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन उसको हैंडल नहीं कर सकता, एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी रिसर्चेस नहीं हो सकती, तो देर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, किसी का काम वेदर फोरकास्टिंग है, किसी का काम अर्थक्वेक को स्टडी करना है, किसी का काम लैंडस्लाइड को लेकर स्टडी करना है, कहीं फ्लड का काम हो रहा है, कहीं ड्राउट को रिलेटेड काम हो रहा है, कहीं स्पेशली प्लांट वेराइटीज पे काम हो रहा है कि कैसे प्लांट वेराइटीज हों कि ड्रॉट एरियाज में हम उसको ग्रो कर सकें। तो देर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर हेल्पिंग इन कोपिंग अप विद सच टाइप ऑफ डिसास्टर्स या इस तरह के इवेंट्स को हम कोप अप कर सकें। तो एक लिस्ट आपके सामने है विच आर हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोपिंग अप विद वेरियस टाइप ऑफ डिसास्टर्स। सुनामी की बात कर लें, सुनामी भारत में ऐसा नहीं कि कभी आया नहीं था, बहुत बार आया था। एक लिस्ट है आपके पास 1762, 1889, 1883, 1941, 1945 में आया लास्ट, उसके बाद भूल गए थे हम लोग, लेकिन 2004 में फिर आया और उसने याद दिलाया कि डोंट फॉरगेट मी एंड यू मस्ट इंक्लूड मी आल्सो इन द लिस्ट ऑफ डिसास्टर्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप इसको शामिल करिए। और आफ्टर द सुनामी ऑफ 2004 दिस वॉज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ डिसास्टर्स। The disaster of 2004 due to tsunami affected more than 10 million people in Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Pondicherry and Andaman Nicobar. तो एक बहुत विभत्स हादसा हुआ था जिसमें बहुत लोगों की जाने गई थी, वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो लाखों लोग इसमें की डेथ हुई थी। अब सुनामी वार्निंग जारी करने का भी एक्टिविटी शुरू हुई जब सुनामी आया तो, और भारत में दो आपके ये काम कर रहे हैं, एक तो इंक्वायर्स का काम है सुनामी वार्निंग अलर्ट जारी करना, इंक्वायर्स का मतलब है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज एस्टैब्लिश्ड इन हैदराबाद, और दूसरा है TWIS सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम which started its functioning from 2007. So these are the two agencies, two centers which are working day and night for issuing different type of warnings related with tsunamis. ठीक है, तो सुनामी में आपको क्या क्या बताना होता है, तो ओरिजिन, उसके टाइम, उसका एपिसेंटर अर्थक्वेक कहाँ आया, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसका डेप्थ क्या होगा। और अब तो इतनी कैपेबिलिटी आपके पास है कि किसी भी समुद्र के अंदर अगर कोई भी अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 6 से ज्यादा होगा उसको 20 मिनट से अंदर
डिटेक्ट कर लिया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 25 से 30 मिनट के अंदर कम्युनिकेट कर दिया जाता है पूरी इंफॉर्मेशन कि ऐसा ऐसे होगा, ये एरियाज अफेक्टेड होंगी। तो इतने कम समय में हम अपनी सूचना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक पहुंचा पा रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन साइंस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन रिसर्च सेंटर्स विच आर एबल टू डिटेक्ट अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड्स ऑफ मोर देन 6 या 6 मैग्नीट्यूड के इफ इट ऑकर्स विद इन द ओशन एंड विद इन 20 मिनट्स वी कैन डिटेक्ट देम एंड वी कैन सेंड द इंफॉर्मेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विद इन 25 टू 30 मिनट्स। So this is the capability now what we have developed. उसके लिए सुनामी बॉयज लगा जाते हैं। बॉयज का मतलब क्या है? फ्लोटिंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वाटर डेप्थ को या उसके होने वाले चेंजेस को मेजर करता है और तब हम ये बता पाते हैं कि कोई भी वेव कितनी गति से कितनी दूर तक पहुंचेगी और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। सुनामी वार्निंग सिस्टम्स के लिए बहुत जगहों पे लैंड पे भी और ऑफशोर में भी और ऑनशोर में भी बहुत सारे सेंटर्स और वो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए जो सुनामी को लेके हमें वार्निंग सिस्टम या वार्निंग अलर्ट जारी करते हैं। अब अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो पोटेंशियल सुनामी जेनिक जोन्स कुछ हैं जहां की सुनामी आने की प्रबल संभावनाएं हैं। कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे एक जोन है अंडमान निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड आर्क या जिसको सबडक्शन जोन भी हम लोग जियोलॉजी की भाषा में कहते हैं। वहां मैग्नीट्यूड 7 या 7.5 से ज्यादा के अर्थक्वेक्स वहां के ओशन में आ सकते हैं। अब मान लीजिए इफ अर्थक्वेक हैपेंस एट निकोबार आइलैंड, कि मान लीजिए निकोबार आइलैंड में कोई अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड 7 या 7 से ज्यादा होगा, तो कितना मिनट लगेगा उस सुनामी के वेव को किस जगह तक पहुंचने में, उसकी एक गणना जो की जाती है कि 20 से 30 मिनट लगेगा वो अंडमान निकोबार आइलैंड तक पहुंचने में अगर निकोबार में अर्थक्वेक आता है, तो 2 से 3 घंटा लगेगा इंडियन कोस्ट तक पहुंचने में, चेन्नई कोस्ट तक पहुंचने में। अगर इसी तरह का अर्थक्वेक इंडोनेशिया में अगर जनरेट हुआ तो उसको 1 से 2 घंटे लगेंगे निकोबार तक पहुंचने में, 3 से 5 घंटे का समय लगेगा इंडियन कोस्ट तक पहुंचने में। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर सुनामी जोन में अगर कोई इवेंट होती है तो कितना वक्त लग रहा है उस सुनामी वेव को, जो पानी का जो वेव डेवलप होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ लैंड, जो वेव्स जनरेट होगी उन वेव्स को उस कोस्ट तक हिट करने में कितना समय लगेगा, उसकी एक आइडिया आपको दी जा रही है। तो आपके पास इतना समय होता है, अगर प्रॉपर तरीके से उसको डिटेक्ट कर लें और डिटेक्ट करके हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक बातें पहुंचाएं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अगर एक्टिवली एक्ट करे, एक्टिवली अगर इम्प्लीमेंट करे इन चीजों को, तो हम अपने होने वाले कैजुअलिटीज को, लॉस को बचा सकते हैं। सिमिलरली एक एग्जाम्पल है, ये कुछ अर्थक्वेक्स के नाम लिखे गए जो आपके सामने है कि 2004 में एक आया, 77 में है, 41 में है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। अब अगर जो सुमात्रा का जो अर्थक्वेक था जो कि 2004 में आया था जिसे हम अफेक्टेड हुए थे, उस सुनामी वेव को पहुंचने में कितना समय लगा, उसके साथ एक लिस्ट आपके सामने है कि इंदिरा पॉइंट पहुंचने में 20 मिनट, पोर्ट ब्लेयर पहुंचने में 90 मिनट, चेन्नई पहुंचने में 170 मिनट, विशाखापत्तनम कोची तक पहुंचने में 2250 मिनट। अब 250 मिनट का मतलब हुआ लगभग 4 आवर्स, 4 घंटे का समय आपके पास है। इसमें 20 से 25 मिनट डिटेक्ट करने में लगा लीजिए, 25 से 30 मिनट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक पूरी इन्फॉर्मेशन भेजने में, उसके बावजूद भी आपके पास 1 घंटे से ज्यादा का समय बचता है। अगर हम प्रॉपरली लोगों तक कम्युनिकेट कर दें न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो हम एटलीस्ट अपने कोस्टल एरिया में होने वाले लॉसेस को बचा सकते हैं। एक यूनाइटेड नेशंस ने कहा हुआ है कि एक तो आपको हमने बताया कि 90s का जो डिकेड होगा उसको इंटरनेशनल डिकेड ऑफ नेचुरल डिसास्टर रिडक्शन प्रोग्राम के रूप में हम ऑब्जर्व करेंगे, और उसी में ये कहा गया कि जो सेकेंड वेडनेसडे होगा हर अक्टूबर का, उसको हम वर्ल्ड डिसास्टर रिडक्शन डे के जैसे ऑब्जर्व करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो सेकेंड वेडनेसडे ऑफ अक्टूबर इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड डिसास्टर रिडक्शन डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ व्हाट आर द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ कैपेसिटी डेवलपमेंट। कैपेसिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा, हम मास अवेयरनेस नहीं लोगों तक ले आएंगे, तब तक ये चीजें संभव नहीं है, समझ नहीं पाएंगे। तो उसमें ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू करने चाहिए यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, ताकि एक करिकुलम के रूप में आए, एक सब्जेक्ट के रूप में आए। स्कूल लेवल के भी करिकुलम में, एजुकेशन में भी इसको शामिल किया जाए, रिसर्चेज में बढ़ावा दिया जाए, मास अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम चलाए जाएं, जैसे स्कूल सिलेबस में लाया जाए, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज किया जाए, एनसीसी एनएसएस को लोगों को इससे अवेयर कराया जाए, जो मैसन ट्रेनिंग है, जो हमारे जो कारीगर हैं उनको बताई जाए कि किस तरह के स्ट्रक्चर्स कैसे आपको बनाने हैं, क्या करना है। तो इस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल
अगर आप इस तरह के सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें तो। इसी तरह से एनडीएम एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसने भी बहुत सारे ऐसे आपको डिजाइन किया हुआ है कि ऐसे मॉक एक्सरसाइज कराने चाहिए, ऐसे अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, और उसके लिए बहुत सारे ऑडियो विजुअल्स अर्थक्वेक को लेके, साइक्लोन्स को लेके, फ्लड को लेके, और इंफॉर्मेशन बुलेटिन के रूप में बहुत सारी ऐसे इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट मीडिया में भी, प्रिंट फॉर्म में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो एनडीएमए के साइट पर जाइएगा तो आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। अब कॉमन मैन के लिए फिर एक चीज़ आ रही है कि लगभग हर स्टेट के जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिजास्टर्स और डिजास्टर्स मैनेजमेंट को लेकर ट्रेनिंग देते हैं कॉमन मैन को, जिसमें डॉक्टर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर जैसे हम जैसे लोग हो सकते हैं, आपके बिजनेसमैन हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, एनीबडी कैन बी ए पार्टिसिपेंट इन सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स विच इज रन बाई वेरियस इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड एट द कैपिटल सिटी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स। इसमें है कि ऐसे देखिए कुछ रेड में है, कुछ ब्लू में है। कि जो रेड में दिख रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश का हैदराबाद का जो एकेडमी है वो साइक्लोन के लिए स्पेशलाइज सेंटर है, जैसे सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी होती है यूनिवर्सिटीज और में, वैसे ही जो हैदराबाद में एकेडमी है, ट्रेनिंग एकेडमी है, वो साइक्लोन को लेके एक्सपर्टीज उसके पास है। आसाम के गुवाहाटी में जो है वो अर्थक्वेक को लेके स्पेशलाइज ट्रेनिंग देती है, लेकिन साथ में और भी डिफरेंट जो डिजास्टर्स हैं उसके लिए भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। बाकी सेंटर्स में डिजास्टर्स और जनरल डिजास्टर्स के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम सब घूमने जाते हैं, कभी एलटीसी पे जाते हैं, कहीं भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसे जगहों पर भी जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप रजिस्टर करिए, वहाँ रहिए और ट्रेन होइए और लोगों तक अपनी बातें भी पहुँचाइए, समाज के लिए भी कुछ काम करने का मौका मिल जाता है। तो हम इन जगहों पर जाके खुद की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री इन डिफरेंट स्टेट्स वेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रिलेटेड टू डिजास्टर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इज गिवन टू द कॉमन मैन। उस तरह से नीचे दिख रहा है एमपी भोपाल, भोपाल में है वो इंडस्ट्रियल या केमिकल डिजास्टर्स के लिए स्पेशलाइज सेंटर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बाकी के लिए नहीं है, सभी तरह के डिजास्टर्स को सारे सेंटर्स जनरल अवेयरनेस का काम करते हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में है यशदा, पुणे में है, जहाँ ड्रॉट के लिए वो स्पेशलाइज सेंटर है, जहाँ ड्रॉट और उससे रिलेटेड जो भी जो टेक्निक्स होनी चाहिए, जो रिसर्चेज होनी चाहिए, जो जो बुकलेट्स या जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो डेवलप करती है। तो इस तरह से आपके पास ऐसे बहुत सारे सेंटर्स है, 31 की लिस्ट आपके सामने है। देयर दीज 31 सेंटर्स आर गिविंग ट्रेनिंग टू कॉमन मैन इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर्स एंड हाउ टू मैनेज दोज डिजास्टर्स। ठीक है, उत्तराखंड में नैनीताल है तो वहाँ की जो एकेडमी है वो लैंडस्लाइड को लेके एक्सपर्टीज है और देती है। सिमिलरली वेस्ट बंगाल में कोलकाता है जहाँ फ्लड को लेके स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाती है। तो दस वी कैन सी दैट देयर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस which are continuously giving training programs to common man as far as different type of disasters are concerned. तब ये तो common man के लिए हमने बात की, लेकिन जो आपके disaster reduction force है, national disaster reduction force है, उसकी specialized training अलग अलग जगहों पर होती है, उसके लिए अलग अलग academies बनी हुई है। जैसे National Industrial Security Academy है NISA, ये CISF को train करती है हैदराबाद में है। उसी तरह से BTC है, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है, ITBP को ट्रेन करती है चंडीगढ़ में। उसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग इन सर्च रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिस्पांस NITSRDR ITBP को ट्रेन करती है चंडीगढ़ में। सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज CTC CRPF को कोयम्बटूर में ट्रेन करती है। BSF इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स BIDR BSF को करती है टेकनपुर ग्वालियर में। तो इस तरह से देर आर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच गिव्स स्पेशलाइज ट्रेनिंग टू नेशनल डिजास्टर रिडक्शन फोर्स, आर्म्ड जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं या फोर्स के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग इन जगहों पे होती है। अब हमने कहा कि ये एक ऐसे जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो किसी एक कंट्री को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है। सो नंबर ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज आर देयर टू कोलैबोरेट विद डिफरेंट कंट्रीज इन कोपिंग अप विद सच टाइप ऑफ डिजास्टर्स। तो ऐसे यूनाइटेड नेशंस और तमाम दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग एजेंसीज हैं जो कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे देशों से, एक दूसरे एजेंसीज से MOU साइन करती है और एक दूसरे के लिए काम करती है, चाहे वो डेटा का एक्सचेंज हो, चाहे किसी तरह के हेल्प का एक्सचेंज हो, वो रेस्क्यू रिलेटेड हो सकता है, रिसर्च रिलेटेड हो सकता है, प्री या पोस्ट
इवेंट के को लेके जो चीज़ें इंफॉर्मेशन होती हैं उसको लेके इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात हो, तो देर आर नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच आर हेल्पिंग ईच अदर एंड ओनली देन अब संभव हो पा रहा है कि हम एक दूसरे की सहायता कर पा रहे हो। जब तक एक देश दूसरे देश की सहायता, एक एजेंसी दूसरे एजेंसी की सहायता नहीं करेगा तब तक शायद हम इस तरह के इवेंट्स को संभाल नहीं पाएंगे। तो ये एक लिस्ट है आपके सामने, बहुत सारी लिस्ट है, ये पहले भी हमने दिखाई, उसके अलावा ये तमाम लिस्ट्स हैं जो उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये आपको दिखाने की कोशिश किया है कि अलग अलग दुनिया के देश में ये एजेंसीज हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं और सब मिलके एक दूसरे से अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करती है। तो दीज आर द एजेंसीज विच आर एस्टैब्लिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दीज एजेंसीज आर हेल्पिंग ईच अदर सो दैट कि जो समस्याएं किसी एक पर्टिकुलर देश में हैं उसको हम प्रॉपरली हैंडल कर सकें। These are the lists of various agencies and their headquarters in various places. ये सब इंडिया ने भी बहुत सारी एजेंसी से MOU साइन किया है और जब तक एड नहीं मिलेगी, सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम भी शायद अपने इवेंट्स को संभाल नहीं पाएंगे। तो इंडिया का भी अपनी बहुत सारी एजेंसी के साथ हम MOU में बंधे हैं और काम कर रहे हैं। अब रीजनल कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है। रीजनल कोऑपरेशन का मतलब हम अपने नेबर्स को कैसे हेल्प करें। इंडिया बिग ब्रदर के रोल में काम करता है, तो सार्क जो कंट्रीज हैं, 7 या 8 कंट्रीज हमारे हैं, उन सब का एक मेन सेंटर है, वो है भारत में है। तो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर वाज सेट अप इन द प्रीमाइजेस ऑफ NIDM कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रीमाइजेस में एक सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन या इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की इंफॉर्मेशन अपने सहयोगी देशों को दे सके। ठीक है, तो ये जो 8 साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन सबको हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो भी रिसर्चेज, जो भी हमें स्पेस टेक्नोलॉजी की सहायता से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर बीइंग शेयर्ड विद ऑल दोज कंट्रीज। तो ये एक सार्क कंट्रीज का अपना एक ग्रुप है जिसमें 8 कंट्रीज हैं और सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर है जो NIDM में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट दिल्ली में। अब एक काम जो चल रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये चल रहा है, SADCN SADKN यानी कि साउथ एशिया डिजास्टर नॉलेज नेटवर्क का डेवलप करना, और दूसरा है डिजिटल वल्नरेबिलिटी एटलस का डेवलप होना। इन दोनों पे काम चल रहा है और लगभग ये तैयार है और ये एटलस सारे देशों को शेयर की जाती है ताकि वो जान पाए कि उनके एरियाज में कौन से एरियाज ज्यादा सेंसिटिव हैं और किस प्रकार के डिजास्टर्स को लेकर सेंसिटिव है। दिस इज बींग डन कंटिन्यूसली और अपडेट किया जाता रहता है। तो साउथ एशिया डिजास्टर नॉलेज नेटवर्क और डिजिटल वल्नरेबिलिटी एटलस ये डेवलप करके हम अपने नेबर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं और सहायता दे रहे हैं उसके। सार्क में ये भी MOU साइन है कि कभी भी सिविल कोऑपरेशन की बात होगी या मिलिट्री सिविल की बात होगी, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की बात होगी तो वी विल हेल्प ईच अदर। और एक अपना डेटा बैंक बनाएंगे और उस डेटा बैंक की सहायता से हम अपने और अपने नेबर्स को हेल्प करेंगे। एंड फाइनली हम कह सकते हैं कि डिजास्टर्स की अगर बात करें तो डिजास्टर्स आर इनएविटेबल, दे आर बाउंड टू अकर, वी कैनॉट स्टॉप देम फ्रॉम हैपनिंग, बट वी कैन ड्रामेटिकली रिड्यूस देयर इंपैक्ट इफ द राइट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेजर्स आर टेकन इन एडवांस। अगर हम समय रहते एक रिस्क मेजर्स, रिस्क जो रिडक्शन मेजर्स हैं उस पर काम करें तो हम उस होने वाले कैजुअलिटीज को, उस लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। विद दिस I would like to conclude my talk on disaster management. Thank you. Thank you. Sun pa rahe? Yes, sir. इस पे अगर कोई बातचीत करनी है, otherwise I will start second part, second session. जी सर, जी सर. Would you like to have a gap of 5 minutes? Would you like to interact with me or would you like to have a gap of 5 minutes? आप कुछ गैप रखना चाहेंगे या अगेन शुड आई स्टार्ट नाउ? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आज एक साल से पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है, तो क्या कोरोना को डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर लिया जा सकता है, लेना चाहिए, इस पे आपके विचार? बिल्कुल 100%, ये डिजास्टर है, लेने चाहिए नहीं है, ये बायोलॉजिकल डिजास्टर है। तो कहीं पे भी सर मीडिया में, न्यूज में, कहीं अखबारों में, कहीं पे डिजास्टर के अंदर इसका कहीं जिक्र हमने नहीं सुना है?
आ जाएगा, चिंता मत करिए, आपकी सैलरी से कटना, आपकी सैलरी से कटेगा कुछ परसेंटेज, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ परसेंट अभी होने वाला है तो तब पहले पहले भी दे चुके हैं सर, आगे भी देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, बिल्कुल है ना जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सो 5 मिनट का हम ब्रेक कर लें, फिर सेकंड सेशन स्टार्ट करें। जी सर, हम यहाँ पे 10 मिनट का स्मॉल ब्रेक लेते हैं सर। चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं 10 मिनट। राइट सर, राइट सर। 10 मिनट, 10 मिनट पर मीटिंग आ गई। कहाँ हो? हेलो पवन सर, पवन सर, पवन जी,